एवरीबॉडी वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म दैट इज ई लर्निंग विद अनु। आई होप आप लोग मेरे इस चैनल के थ्रू बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे। मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों को अलग अलग टॉपिक पे, चाहे वो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ना हो, चाहे वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, फिर भी मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक पे वीडियोस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करती हूँ, चाहे शॉर्ट वीडियो हो चाहे लॉन्ग वीडियो हो, ताकि मैं आप लोगों को इस चैनल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि कोई भी एज का पर्सन हो इस चैनल के थ्रू काफ़ी कुछ सीख सके। सो ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूँगी। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरा ये न्यू इनिशिएटिव जो है वो कैसा लग रहा है। सो वीडियो को एंड तक मिड तक ज़रूर देखेगा। ई लर्निंग विद अनु के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। और मेरे और भी सोशल प्लेटफॉर्म है, लाइक मैं टेलीग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, यूट्यूब चैनल तो है ही, और मेरा एक ट्विटर अकाउंट भी है। सारे लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। वहाँ पे भी मैं डेली के फैक्ट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। सो ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ ज़रूर जुड़े जो आप लोगों को वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और आप लोगों को फैक्ट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को टेस्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बताऊंगी। काफ़ी टेस्ट अलग अलग होते हैं, किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को खट्टा पसंद होता है, किसी को कुछ कड़वा भी पसंद होता है। सो आज मैं वही वर्ड्स आप लोगों को इंग्लिश में भी बताऊंगी कि उन टेस्ट वाले जो वर्ड्स हैं उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, और फिर उसी को हिंदी में बताऊंगी कि उसी वर्ड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो टुडे फर्स्ट वर्ड इज़ बिटर। बिटर मीन्स कड़वा। जैसे आप कोई चीज़ खा लेते हैं, करेला, करेला खा लेते हैं कभी कभी, या फिर कोई और चीज़ होती है जो बहुत कड़वी होती है, तो हम उसे बोलते हैं बिटर। इट इज़ बिटर मीन्स इट इज़ कड़वा। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज़ फ्रेश। उसको क्या बोलते हैं? ताज़ा। जैसे कई बार हम बाहर जाते हैं, हम लोग जंक फूड वगैरह खाते हैं, तो कई बार जो फूड होता है वो फ्रेश नहीं होता, मीन्स वो ताज़ा नहीं होता, हम बोलते हैं वो बासी है, ताज़ा नहीं है, फ्रेश नहीं है। सो फ्रेश को हिंदी में बोलते हैं ताज़ा, जो अभी अभी बना हो, जो आज की डेट में बना हो, ओके, उसे बोलते हैं फ्रेश। Want to next, that is juicy। उसे हम बोलते हैं हिंदी में रसीला। रसीला जैसे ऑरेंज हो गया, ऑरेंज में रस होता है ना, ऐसे फ्रूट्स, ऐसे फूड आइटम्स जिनमें रस होता है, जिनमें जूसीपन होता है, उसे हम जूसी बोलते हैं और हिंदी में हम उसे रसीला बोलते हैं। Want to next, that is hot। हॉट को हिंदी में बोलते हैं गरम। लाइक जैसे हम हॉट कॉफ़ी पीते हैं, चाय बोलते हैं, तो उसे जब वो गर्म होते हैं तो हम उसे हॉट बोलते हैं, तो हॉट को हिंदी में बोलते हैं गर्म। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज़ रोटन। रोटन होता है सड़ा हुआ। जैसे कई बार आपने देखे होंगे कुछ फ्रूट्स वगैरह आप लोग जैसे लेके आते हो मार्केट से, और अगर आप दो तीन दिन उसे रख देते हो, जैसे आप क्या कहते हैं, बनाना कोई ले लो, अगर आप उसे दो तीन दिन के लिए रख देते हो तो वो सड़ना शुरू हो जाता है, तो हम उसे बोलते हैं रोटन। तो मीन्स वो सड़ना शुरू हो गए हैं, सड़ चुके हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा पिलपिले हो गए हैं, ज़्यादा टेस्ट में भी और लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा सड़ने लग गए हैं, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रोटन और हिंदी में बोलते हैं सड़ा हुआ। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज टेस्टलेस। टेस्टलेस मीन्स स्वादहीन, मीन्स जिसमें कोई टेस्ट ही नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम जब से सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाने के बाद जब हम उसे टेस्ट करते हैं, तो उसमें नमक अगर कम होता है या मिर्ची कम होती है, या हम किसी को टेस्ट कराते हैं घर के मेंबर को, तो वो लोग बोलते हैं यार इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें स्वाद नहीं होता उसे हम टेस्टलेस बोलते हैं और हिंदी में उसे स्वादहीन बोलते हैं। जैसे कई लोग जो होते हैं वो डाइट कॉन्शियस होते हैं, वो लोग मिर्च नमक वगैरह बहुत ही कम खाते हैं, तो उनका जो खाना होगा वो ज़्यादातर टेस्टलेस होगा, क्योंकि उसमें मसाले स्पाइसेस वगैरह नहीं होगी, तो उनके खाने को हम टेस्टलेस बोल सकते हैं और हिंदी में उसे हम स्वादहीन बोलते हैं। ओके, वी वांट टू नेक्स्ट, दैट इज़ मेल्टेड। मेल्टेड जैसे पिघला हुआ, जैसे अभी गर्मी है, समर है, तो जो चॉकलेट वगैरह होती हैं वो बहुत जल्दी पिघल जाती हैं, सॉलिड से बहुत ज़्यादा जल्दी पिघल जाती है, तो उसको हम मेल्टेड बोलते हैं। बोलते नहीं मेल्ट हो गई है चॉकलेट, आइसक्रीम मेल्ट हो गई है, सो इंग्लिश में उस चीज़ को हम मेल्ट बोलते हैं, मेल्टेड बोलते हैं, और हिंदी में हम उसी वर्ड को पिघला हुआ बोलते हैं, पिघलना बोलते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज स्वीट। स्वीट होता है मीठा, जैसे हमारी डिशेज हो गई या फिर स्वीट डिश हो गई, रसगुल्ला, जलेबी, ये सब जो भी है, सो उसे हम स्वीट बोलते हैं, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है, तो इंग्लिश में स्वीट बोलते हैं, हिंदी में उसी वर्ड को हम मीठा बोलते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज़ सॉल्टी। सॉल्टी मीन्स नमकीन, लाइक जैसे चिप्स होते हैं, या फिर आप खाना वेजिटेबल्स वगैरह बनाते हो, या फिर फूड की कोई भी आइटम बनाते हो जिसमें आप नमक वगैरह डालते हो, तो वो सॉल्टी होती है, तो सॉल्टी को हम हिंदी में बोलते हैं नमकीन। ठीक है, जैसे नमकीन वगैरह भी खाते हैं, वो नमक वाली होती है, जिसमें नमक होता है, उसको सॉल्टी बोलते हैं और उसको हिंदी में नमकीन बोलते हैं। वॉन्ट टू नेक्स्ट, दैट इज़ लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड, दैट इज़ न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, न्यूट्रिशियस को हम बोलते हैं पौष्टिक। न्यूट्रिशियस फूड वो होता है जो हमारी बॉडी के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाइक इसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, सो दैट आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशियस फूड को हम क्या बोलते हैं? पौष्टिक।
क्या बोलते हैं पोस्टिंग. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ई लर्निंग विद अनु के साथ सीखते रहिए. मैं ऐसे ही टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियोस लाती रहूँगी और अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस लाती रहूँगी. सो इस चैनल के साथ जरूर जुड़े ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो. आई होप आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखी होगी. शेयर जरूर कीजिएगा और भी अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी ऐसी वीडियोज़ को देख सके, कुछ सीख सके. कई बार हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, हमें ऐसे चीज़ों की, शॉर्ट शॉर्ट चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती. बट मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि हम जो यंग किड्स होते हैं, जब हम उन्हें पढ़ाते हैं तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि हमें नहीं पता होता. सो प्लीज़ इसलिए बोलती हूँ कि वीडियो को एटलीस्ट मिड तक, एंड तक देख लीजिए ताकि आप लोगों को क्या पता कुछ नया सीखने को मिल जाए. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे. बी सेफ, बी एक्टिव. ई लर्निंग विद अनु के साथ सीखते रहिए.